वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटी। एक महिला जो अपने जीवन में कितनी ही चीजों में अग्रणी रही, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला, दो बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली व्यक्ति और दो अलग अलग क्षेत्रों में फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये सम्मान हासिल करने वाली पहली व्यक्ति। उनके शोध की बदौलत पहले विश्व युद्ध में 10 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई गई, लेकिन उसी शोध ने अंत में उनकी जान भी ले ली। हम बात कर रहे हैं मैरी क्यूरी की। हर साल 7 नवंबर को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। प्रारंभिक जीवन रूसी साम्राज्य के नियंत्रण वाले पोलैंड में उनका जन्म हुआ। उनके माता पिता शिक्षक थे। बचपन से ही उन्होंने आर्थिक तंगी देखी। बीमारी के चलते उनकी बड़ी बहन की मृत्यु हो गई और उसके कुछ दिनों बाद उनकी माँ भी चल बसी। उनके पिता ने ही उनकी और उनकी छोटी बहन की देखभाल की। जब वो कक्षा में पढ़ती थी तो उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया, लेकिन कॉलेज में दाखिला नहीं मिला। कारण, क्योंकि वे महिला थी। रूसी साम्राज्य ने महिलाओं की पढ़ाई पर प्रतिबंध लगा रखा था, जिसके चलते उन्होंने एक गुप्त फ्लाइंग यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई की, जिसकी कक्षाओं का स्थान लगातार बदलता रहा। 17 साल की उम्र में पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाई, अमीर घरों में छोटी नौकरी की, साथ ही बहन को मेडिकल की पढ़ाई के लिए पेरिस भेजा। जब मैरी क्यूरी 24 वर्ष की थी, तब उन्होंने अपने पास थोड़े संसाधन इकट्ठा किए और वे भी पेरिस पहुंच गई। वहां के विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने भौतिकी और गणित दोनों विषयों में डॉक्टरेट हासिल की। कॉलेज के पास एक छोटे से कमरे में रहा करती थी और अधिकतर समय लाइब्रेरी में बिताती थी। अपनी पिछली कक्षा में सुधार करने हेतु उन्होंने बहुत मेहनत की। कई बार वे काम करते हुए खाना भूल जाती और मेज पर ही बेहोश हो जाती। एक अनूठी प्रेम कहानी थी उनकी। उन्होंने पियरे क्यूरी से विवाह किया, जो खुद एक शीर्ष वैज्ञानिक थे। उनका कहना था कि मैंने अपना जीवन विज्ञान को समर्पित कर दिया है और मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो इस कार्य में मेरे साथ जी सके। अपनी शादी के दिन क्यूरी ने वही पोशाक पहनी जो पहनकर वे अपनी लैब जाया करती थी। उनके प्रमुख शोध में यूरेनियम की खोज हो चुकी थी और क्यूरी की दिलचस्पी रेडिएशन के क्षेत्र में बहुत गहरी थी। पियरे द्वारा आविष्कृत इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा वे अन्य खनिजों का रेडिएशन मापने लगी। इसी दौरान उन्होंने पोलोनियम और रेडियम की खोज की। बिना संसाधनों के वे यह सारा काम पियरे की प्रयोगशाला के पास एक झोपड़ी में कर रही थी। नोबेल पुरस्कार की जब उन्होंने अपेक्षा की थी, उस समय का एक किस्सा है। 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मेरी पियरे और बेकरवेल को रेडिएशन के शोध के लिए मिला। फ्रांसीसी शिक्षाविद मेरी को बाहर छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वे महिला थी। हालांकि एक सहानुभूतिपूर्ण सदस्य ने पियरे को सचेत किया। उन्होंने जोर देकर मैरी का नाम भी शामिल करवाया, लेकिन वे दोनों इतने व्यस्त थे कि व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार लेने जा पाए। रेडियम को पेटेंट करवा के वे बहुत पैसा कमा सकती थी, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। उल्टा पहला विश्व युद्ध छिड़ने के बाद युद्ध प्रयासों में मदद के लिए अपने 2 स्वर्ण नोबेल पुरस्कार पदक बेचने की कोशिश भी की। पुरस्कार राशि भी उन्होंने युद्ध प्रयासों में झोंक दी। घायल सैनिकों की मदद के लिए उन्होंने मोबाइल एक्सरे मशीनों का आविष्कार किया और 150 महिलाओं को उन्हें चलाने की ट्रेनिंग दी, और उनके प्रयासों ने 10 लाख लोगों की जान बचा ली। लेकिन वे इस बात से बेखबर थी कि जिस रेडिएशन की सहायता से वे दुनिया की मदद कर रही थी, वो उनके लिए प्राण घातक है। और 4 जुलाई 1934 को क्यूरी की 66 वर्ष की उम्र में रेडिएशन के कारण मृत्यु हो गई। आज दशकों बाद भी संग्रहालयों में रखी उनकी चीजों में रेडिएशन मौजूद है। खराब सेहत के बावजूद उन्होंने कई वर्षों तक शोध कार्य किया और विज्ञान और जिज्ञासा की अग्नि में खुद को झोंक दिया।
आज कैंसर के इलाज में काम आने वाली रेडिएशन थेरेपी हो या एमआरआई मशीन या न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सभी उपकरण व तंत्र उनकी खोज पर ही आधारित हैं। हम भूल ही जाते हैं कि हमारी सारी प्रगति किन महान विभूतियों के कंधों पर खड़ी है। वे सब ना होते तो हम शायद आज इतनी सुख सुविधाओं के बीच नहीं होते। सच्चाई को, भलाई को हमारे संरक्षण की जरूरत है। उससे हमारी प्रगति है और उसी से हम हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।